सब्सक्राइब करें शाजिया खान चैनल को एंड छोटी सी बेल आइकन को हिट करें ताकि आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्किन को किस तरह से वाइटन एंड ब्राइटन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्लीन बाउल ले लूँगी जिसमें मैं ऐड करूँगी व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूँ का आटा। हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून व्हीट फ्लावर ऐड करेंगे। व्हीट फ्लावर हमारी स्किन को वाइटन ब्राइटन एंड स्किन को निखारने में बहुत हेल्प करता है। सो आप इसे रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा पैक है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो पल्प। यहाँ पर हम अराउंड 2 टू 3 टेबल स्पून टमाटो पल्प ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं टमाटो को स्क्वीज़ कर इसमें टमाटो ऐड करूँगी। आप चाहें तो टमाटो को ग्रेट कर भी इसका जूस निकाल कर भी ऐड कर सकते हो। टमाटो में एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारी स्किन को वाइटन एंड ब्राइट बनाने में बहुत हेल्प करता है। ये अनइवन स्किन टोन को भी ठीक करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ल्यूकवॉर्म वाटर ऐड करूँगी। वाटर आप उतना ही ऐड करें जितना के हमें पैक रेडी करने के लिए चाहिए। सो हियर हमारा जो फेयरनेस पैक है वो रेडी है। आप रेगुलरली इसे 7 डेज तक अप्लाई कीजिए, देन आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन में 1 से 2 शेड ज़रूर चेंज होगा, यानी कि आपकी स्किन 1 से 2 शेड ज़रूर लाइटन ब्राइटन एंड फेयरर हो जाएगी। बिलीव मी, ये 100% इफेक्टिव रेमेडी है। सो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए एंड इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपने क्लीन फेस पर इस पैक को अच्छे से अप्लाई करें एंड इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए देन आप अपने फिंगर टिप्स को वाटर में डिप कर इसे मसाज करते हुए फेस को क्लीन कर ले। रेगुलर 7 डेज यूज़ करने पर ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि आपकी स्किन जो है वो ब्राइटर फेयरर एंड ग्लोई लगेगी। सो इस विंटर में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एंड इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, स्टे ब्लेस। अभी के लिए बाय बाय एंड क्वेश्चन या क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।